बच्चों में रिग्रेशन डेवलप क्यों होता है, स्पेशली ऑटिस्टिक बच्चों में, ADHD बच्चों में? आप कुछ भी उनको सिखाते हैं तो वो रिग्रेस कर जाते हैं, भूल जाते हैं. व्हाई? दैट क्वेश्चन इज़ वेरी कॉमन. और रिग्रेशन की तीन बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिनको मैंने सोचा है आपसे शेयर करूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप किसी भी कॉन्सेप्ट को या तो प्रॉपर टाइम नहीं देते और बहुत जल्दी जल्दी आगे चले जाते हैं, कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ लेकिन उसके बाद उसको जर्नलाइज नहीं करवाया गया. सेकेंड बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न इज, अगर आप सही क्वालिफाइड थेरेपिस्ट से थेरेपीज नहीं ले रहे तो भी ये प्रॉब्लम होगा. और अगर आप जो थेरेपी बच्चे को चाहिए वो नहीं मिल रही, यानी कि मिस डायग्नोस्ड हुआ है बच्चा, फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे को एक्चुअली में ADHD है मगर उसका डायग्नोसिस जो है वो ऑटिज़म हो गया, या उसका डायग्नोसिस अप्रेक्सिया स्पीच डिसऑर्डर है तो उसको कुछ और कह दिया, व्हाटएवर. उस सूरत में जब आप सही डायग्नोस नहीं करेंगे तो ट्रीटमेंट सही नहीं मिलेगा और रिजल्ट सही नहीं आएंगे. द थर्ड इम्पॉर्टेंट रीज़न है, विच इज़, जब आप पैचेस में थेरेपी करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पेरेंट्स कुछ भी इंटरनेट से या कहीं से कुछ सुन सुना के कुछ अटैम्प्ट करते हैं तो उन्होंने प्रॉपर हायरार्की नहीं पता होती, उससे पहले के टास्क नहीं पता होते. फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टेप्स में अगर आप लेटर की बात करें तो 1 step 2 step, और पेरेंट्स ने उनको तो नहीं पता 3rd है या 4th करा चुके हैं, तो अब 1, 2 वाली फाउंडेशन तो भी डेवलप होनी है, वो नहीं हुई भी होती जिसकी वजह से बच्चे रिग्रेस कर जाते हैं और पेरेंट्स को ये समझ नहीं आता कि उन्होंने तो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट डेवलप किया था उसके बावजूद बच्चे भूल गया. तो उसकी वजह ये होती है कि पहले वाले कॉन्सेप्ट या फाउंडेशन डेवलप नहीं हुई.